हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे मसाले वाले आलू, बहुत ही आसान तरीके से। ये आलू अक्सर आपने चाट के ठेले पे खाए होंगे, बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही स्पाइसी बन के तैयार होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो आलू लिए थे, आलू को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था। आलू को हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटा इस तरह से, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून खड़ा धनिया है जिसको हमने इमामदस्ते में कूट लिया था, एकदम क्रश कर दिया था। 1/4 इसमें हम हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है और अच्छा हो जाए। देखिए खड़े मसाले हमारे रोस्ट हो गए, इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखे थे। आलू को हमने बॉयल कर लिया था, आप चाहें तो बिना बॉयल करे भी आलू को बना सकते हैं। देखिए आलू हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से जीरे और तेल के साथ भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है और अच्छा हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से आलू हमारे बनके तैयार होंगे। देखिए आलू को हमने अच्छी तरह से तेल के साथ भून लिया है, इसका कलर देख सकते हैं आप, चेंज हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ख़ासतौर पर इसमें हींग की खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, इससे कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो पहले भी हल्दी डाल के भून सकते हैं, मगर उससे जल जाती है, आप इस तरह से डालिए तो हल्दी जलेगी भी नहीं और कलर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 मिनट तक के हम हल्दी को भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो अच्छा हो जाए, इसका कच्चापन जो भी होता है ख़त्म हो जाए। बहुत ही आसानी से बहुत ही लाजवाब आलू आप अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए हल्दी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक डालेंगे, अदरक को हमने इस तरह से बारीक काट लिया था, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ में ही कुछ पाउडर वाले मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया जीरा था जिसको हमने इमामदस्ते में कूट लिया था, 1/4 चम्मच काली मिर्च है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से आलू में आ जाए। बहुत ही लाजवाब आलू हमारे बनके तैयार होंगे, इसी तरह से आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। हम थोड़े स्पाइसी आलू बना रहे हैं इसलिए हम थोड़े से मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहिए तो आप मसालों की क्वान्टिटी को कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे आलू बन के तैयार हैं, लुक से भी कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं और खाने में ये बहुत ही लाजवाब होंगे। इसी तरह से आसानी से 10 से 15 मिनट में अपने घर पे बना के देखिए। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे मसाले वाले आलू बन के तैयार है, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। 5 हरी मिर्चें थी जिसको हमने बारीक काट दिया था इस तरह से, हम हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। साथ में 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डालेंगे, इससे लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, इससे खुशबू काफ़ी अच्छी आएगी। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, कस्तूरी मेथी को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम हरे धनिया हरी मिर्चों को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर देंगे, हमें इसे पकाना नहीं है, बस मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा करेंगे। इसी तरह से आसानी से ये चटपटे मसालेदार आलू आप अपने घर पर बना सकते हैं, ज़रूर बना के देखिए, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए आलू हमारे रेडी हैं, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसका फीडबैक हमें कमेंट्स में दिए। खाते टाइम आप इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करिए, साथ में थोड़ा सा ऊपर से चाट का मसाला डालिए, वो प्याज का इस्तेमाल करिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही चटपटे मसालेदार आलू इसी तरह से आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसका फीडबैक हमें कमेंट्स में दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।